आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छात्रावास अधीक्षक। इसकी वैकेंसी अगले हफ्ता जारी होने वाली है, ठीक है। कितने पदों पर? तो 300 पदों पर, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा, जो व्यापम प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उनके बाद होगा, यानी कि मई जून में। तो इसका फॉर्म जो है अगले हफ्ता से जारी होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे छात्रावास अधीक्षक के कंप्यूटर के प्रश्न, जिसमें 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य रहता है, ठीक है। तो 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और आप लोग कमेंट करके आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 2016 का क्वेश्चन पेपर है, एनालिसिस करेंगे टॉप 50 एमसीक्यू, यानी कि कंप्यूटर के 50 प्रश्न। कैसे पैटर्न नंबर पूछा गया है हम देखेंगे। आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे, डेली कंटिन्यू क्लासेस करेंगे छात्रावास अधीक्षक के, टोटल 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे एक महीने का रणनीति के साथ, पूरा रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, मॉक टेस्ट देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यही रणनीति है, सबसे पहले आपको पिछले ही वीडियो में बताया था, ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहले रहता है थ्योरी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस सेट जितना कराओगे उतना आप सभी के लिए बेनिफिट है। तो ज़्यादा यहाँ पर हम बातें ना करते हुए क्लास स्टार्ट करेंगे। छात्रावास अधीक्षक के 2016 का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आप प्रयोगशाला परिचालक, साथ ही सहायक शिक्षक प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मेंबरशिप क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल फ्री और निःशुल्क टेस्ट रखेंगे, ठीक है। चलिए, जिसको मेंबरशिप में जुड़ना है ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको मेंबरशिप की क्लास देखने को मिलेगा। अब से यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब जो रिकॉर्डेड क्लास हमारा रहेगा YouTube पर डेली नहीं डाला जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेंबर क्लास वालों के लिए, अन्यथा जो स्टूडेंट है हमें बोलेंगे कि सर आप मेंबरशिप में बोले हैं, YouTube पर बिल्कुल फ्री अपलोड कर रहे हैं। तो यही बेहतर होगा, जिसको तैयारी करना है मेंबरशिप में जुड़ जाइएगा, या फिर आप संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कंप्यूटर।